अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक गिल्वानोमीटर पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वही जो है इसका प्रिंसिपल है। यानी यहाँ भी क्या किया है, एक कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और जब आप उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो कॉयल रोटेट करेगी। तो यही इसका प्रिंसिपल है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका रिजल्ट जो आपने निकाला था NIBA cos अल्फा था। अब यहाँ देखें, गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट की डिटेक्शन जो है ना वो करते हैं सर्किट के अंदर, और इसको बाद में मॉडिफाई भी किया जा सकता है एमीटर में और वोल्ट मीटर में और ओहम मीटर में, जिससे हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल एक कॉयल को यू शेप मैग्नेट, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान हमने प्लेस किया कॉयल को। और ये कॉयल किस तरह है, जैसे ये एक कोर है, इसके ऊपर आपने एक वायर जो है ना लपेट दी और उसको इसके बीच में जो है ना फिक्स कर दिया। उसके बाद ऊपर ये वायर बाहर कनेक्टेड वायर जो है उसमें ये मिरर लगाया गया है, सस्पेंशन वायर बोलते हैं, तो इसके साथ मिरर लगाया और ऊपर ये करंट लीड, यानी जो आपने जिस सर्किट में मेजर करना है उसका एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करेंगे, दूसरा टर्मिनल यहाँ ओ प्राइम पे, और ये सात स्प्रिंग लगाया गया है सस्पेंशन वायर के साथ स्प्रिंग, ताकि जब कॉइल रोटेट करे तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी आए जब करंट ज़ीरो हो जाए। तो इस मकसद के लिए तो इसमें सबसे पहले तो हमने इसकी वर्किंग की बात करनी है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहाँ और यहाँ आप टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे सर्किट का जिसमें करंट डिटेक्ट करना है, तो जब इस कॉइल में करंट आएगा इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा जिसका नाम हम रखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA और साथ में कॉस अल्फा, और यहाँ पर जो ए अल्फा है वो एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चीज़ को सेटल करने के लिए कॉस हमेशा वन वैल्यू दे, हम क्या करते हैं जो पोल है ना उसकी शेप जो है ना हम कनकेव शेप बना लेते हैं। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये पोल है ना इसकी शेप ऐसे हो, नॉर्थ पोल और दूसरा ये साउथ पोल हो जाएगा इस तरह, और उनके दरमियान जो सिलेंडर होगा जिसके ऊपर कॉयल वाउंड की गई थी वो प्लेस कर दें, यानी ये साइड व्यू या अपर व्यू। अब जो कनकेव शेप बनाने और बीच में सिलेंडर जो है वो सॉफ्ट आयरन का रखना, ये दो काम जो है वो कॉस को हमेशा के लिए वन कर सकते हैं। कैसे, आपने सिलेंड्रिकल शेप जो है ना वो कोर ली जिसके ऊपर कॉयल वाउंड की हुई है और वो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को इन्हांस करने के लिए हेल्पफुल है, वो मैग्नेट बन जाता है जब खुद मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर होंगी और यहाँ से निकलेंगी, यानी कॉयल अब रोटेट भी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ द कॉयल इन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 0 डिग्री रहेगा। पहले तो ये था ना, रेक्टेंगुलर कॉयल है रोटेट करेगी तो एंगल चेंज होने लग जाएगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्लेन मूव कर, यानी पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिर वो वर्टिकल मोशन में आती है, वर्टिकल पोजीशन में आती है तो एंगल चेंज हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या किया, कनकेव शेप के पोल बना दिए, उसके दरमियान हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर प्लेस कर दिया जिसके ऊपर कॉयल हमने वाउंड की हुई है, अब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो गई और स्ट्रांग हो गई। तो रेडियल और स्ट्रांग, रेडियल और स्ट्रांग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉयल हमेशा के लिए 0 डिग्री पर रहेंगे चाहे कॉयल रोटेट करती रहे। तो अब यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पुट कर देंगे अल्फा, जब अल्फा 0 डिग्री पुट करेंगे तो NIB cos 0 1 दे देगा। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया इस वजह से कॉयल अपनी मेन पोजीशन से किसी और पोजीशन पे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे चलेगी। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग कपल है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको आपने मेजर कर लिया NIB cos NIBA, और cos जो था वो आपने साथ में मैनेज कर लिया, लेकिन हमने जो उसके साथ वायर अटैच की है सस्पेंशन वायर, वो उसके अंदर ट्विस्ट आएगा, मतलब बल पड़ेगा, उसे ट्विस्ट आएगा तो डेफिनेटली वो रेज करेगा टॉर्शनल कपल को, मतलब वो वायर अनट्विस्ट होना चाहेगी और
कॉयल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगी। ये जो कपल होगा इसे रिस्टोरिंग कपल कहते हैं, और इस वजह से जो टॉर्क आएगा उसे रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से आएगा, मैं दोबारा बता दूँ कि जो वायर आपने अटैच की है कॉयल के साथ, जब कॉयल रोटेट करेगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, जो कि करंट की वजह से है, कॉयल जब रोटेट करेगी तो जो सस्पेंशन वायर है उसके साथ स्प्रिंग भी अटैच है, तो वो ट्विस्ट जो है ना उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, यानी बल पड़ेगा उसको, टॉर्शनल कपल जनरेट होगा, तो वो अनट्विस्ट होगी, तो डेफिनेटली अनट्विस्ट होने की कोशिश करेगी, तो रिस्टोरिंग पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये जो कपल है, ये रिस्टोरिंग कपल, ये रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें आप जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के, यानी जितना ज़्यादा कॉयल मूव कर जाएगी फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, यानी जितना ज़्यादा ट्विस्ट आएगा वायर के अंदर उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग कपल और रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो वो अंडर हुक्स लॉ जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के, अंडर हुक्स लॉ, साथ में लिख देता हूँ, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस करेंगे, कॉयल के साथ जो वायर सस्पेंडेड है उसकी अगर आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेंगे तो कॉयल फिर वापस नहीं आएगी, वो वायर जो स्प्रिंग है वो एक अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कैसे लिखेंगे, सी कांस्टेंट आ गया। तो अब ये जो सी कांस्टेंट है ये क्या चीज़ है, सी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन उसे हम नाम लेते हैं ट्विस्टिंग, या फिर उसे कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, मतलब जो रोटेशन वायर जो है ना वापस लेगी अपनी मेन पोजीशन की तरफ आते हुए, और इसकी वैल्यू भी नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, सी की वैल्यू जो है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, जब देखें आपने करंट अप्लाई कर दिया, गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर होगा वो एक पॉइंट पे जाकर रुकेगा ना कि इतना करंट आ रहा है, तो वो पोजीशन जो होगी उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क आपस में बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होंगे, कॉयल रेस्ट में होगी एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो रीडिंग शो कर रही होगी, फिर आप क्या करेंगे, करंट अगर ऑफ करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खत्म हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस पहले वाली पोजीशन पर ले आएगा, लेकिन इस पोजीशन पर क्या होगा, दोनों टॉर्क आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बराबर होगा रिस्टोरिंग टॉर्क के, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आया और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना आया, हमने दोनों लिख लिए, तो यहाँ एन आई बी ए और यहाँ पर सी थीटा, हमें आई मालूम करना है क्योंकि हमें करंट डिटेक्ट करना है, बाकी फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, सी थीटा ओवर एन बी और ए, इसमें से जो ये सी ओवर एन बी ए है ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आप इधर कांस्टेंट लिख दीजिए, साथ थीटा लगा दें, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी अगर कांस्टेंट खत्म करेंगे, तो देखें आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये कांस्टेंट कैसे है, लेकिन सी तो है ही कांस्टेंट, जो कि टॉर्शनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कहा था वो वायर की नेचर पे डिपेंडेंट है। तो उसके बाद ये कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, जो आपने फिक्स कर दी वो चेंज नहीं होंगी एक एक्सपेरिमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की हुई यू शेप मैग्नेट से, ए एरिया ऑफ द कॉयल जितना आप एरिया फिक्स कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉयल का, वो ये सारी चीज़ें फिक्स करने वाली हैं गैल्वेनोमीटर जब बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये अब इसकी रेशियो क्या कहलाएगी, कॉन्स्टेंट है, आप यहाँ कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट खत्म करें प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी जो करंट पास करेगा कॉयल में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन कॉयल शो करेगी उतना ज़्यादा उसमें करंट आ रहा होगा, ये इसका सिंपल सा वर्किंग है इसकी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे, ये इसमें आपने पहले हेडिंग्स के साथ लिखना है, गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखना है कि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसमें जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो बारी बारी हर चीज़ लिखेंगे, फिर वर्किंग बताना है कि जब करंट पास करता है तो इस पे कपल जनरेट होता है,
दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस आती हैं दोनों साइड पे कॉइल के, जिसे कपल जनरेट होता है, और वो कपल जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिखेंगे बी एन आई बी कॉस ए, एन आई बी ए कॉस अल्फ़ा। फिर अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे कि अल्फ़ा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान एंगल है, जिसको हम ज़ीरो बनाने के लिए, 0 डिग्री करने के लिए, हमेशा के लिए हम जो पोल है मैग्नेटिक पोल उनको कनकेव शेप देते हैं, और बीच में जो कोर होती है कॉयल की वो सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं सॉफ्ट आयरन की। जिससे दो फायदे होते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बन जाती है, जैसे एक सर्कल के रेडियस होते हैं उस तरह की लाइंस बनती हैं, और दूसरा स्ट्रांग होती है। और फिर जब कॉयल रोटेट करती है तो प्लेन ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल हमेशा के लिए 0 डिग्री ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो कॉस 0 जो है वो 1 दे देता है। फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात होगी, फिर आप करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क की बात, कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से, ये जो वायर सस्पेंशन वायर है इसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, ट्विस्टेड वायर जो होती है वो टॉर्शनल कपल जनरेट करती है, और वो अनट्विस्ट होके जो कॉयल है उसको रिस्टोरिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करती है, उसे हम रिस्टोरिंग कपल, उसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो हुक्स लॉ के अंडर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के, जितना ज़्यादा देखें करंट आएगा उतना ज़्यादा कॉयल रोटेट करेगी, उतना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आएगा वो जितना कॉयल रोटेट करी होगी फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, रिस्टोरिंग टॉर्क उसके प्रोपोर्शनल है, कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेती है, कितना एंगुलर मूव करती है वो। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट आ जाएगा सी कांस्टेंट है, जिसे हम ट्विस्टिंग कहते हैं या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। उसकी नेचर जो है वो वायर की, उसकी वैल्यू जो है वो वायर की नेचर पर डिपेंड करती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की या पोजीशन की, कि जब आप कॉइल में अब आप जब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे सर्किट के साथ, स्विच ऑन करेंगे सर, कॉइल में करंट आएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसकी उसको रोटेशन देगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और साथ में रिस्टोरिंग टॉर्क की आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ट्विस्टिंग। तो दोनों एक टाइम पे बराबर हो जाएंगे जब गैल्वेनोमीटर एक रीडिंग शो कर रहा होगा, उस टाइम दोनों जो टॉर्क है वो इक्वल है। तो जब वहाँ से आप आई कैलकुलेट करें, आई कैलकुलेट करेंगे तो बाकी जो बीच में ये फैक्टर सी ओवर एन बी ए ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सी टॉर्शनल कॉन्स्टेंट और एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ द कॉयल, कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंट खत्म करें तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा कॉयल रोटेशन देगी। ठीक है जी, अब हम ये जो एंगल आया है इसको मेजर करने के मेथड देखते हैं जी। ये दो मेथड है यहाँ पे अब थीटा मेजर करने के, जो आपकी बुक में दिखाए गए हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये देखें पहली बात तो ये कि जो मिरर का अपर पार्ट था जिसमें सॉरी गैल्वेनोमीटर का जो अपर पार्ट था जिसमें मिरर लगाया गया था, तो अब जैसे कॉइल रोटेट करेगी वो मिरर भी साथ वायर के ऊपर जो लगा हुआ है वो सस्पेंशन वायर, वो मिरर भी रोटेट करेगा। मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है ना हमने एक स्केल जो है ना जिसकी ऊपर हमने स्केल मार्क किया हुआ है, और उसके नीचे एक लैंप ये स्टैंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो अब लाइट जो है वो मिरर पे पड़ रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो इस स्केल के ऊपर जो है ना वो आ रही है, तो वो पॉइंट आउट कर रही है कि रीडिंग क्या है इस टाइम, 0। तो जब देखें कॉइल रोटेट करेगी करंट आने की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको डिफ्लेक्ट करवाएगा, वो अपनी मेन पोजीशन से जो है ना मूव करेगी, तो मिरर भी साथ रोटेट करेगा सस्पेंशन वायर, क्योंकि वो ट्विस्ट करेगी। तो फिर मिरर जब अपनी रोटेशन लेगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर के ऊपर वो चेंज हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड स्पॉट जो है वो चेंज हो जाएगा, और मिरर पे जिस पोजीशन पे जाके वो रुकेगा वो फिर आप करंट की जो वैल्यू है वो मेजर कर लेंगे उस टाइम। ये एक मेथड है। उसके बाद फिर एक ये है जिस पे आप, इस पे तो लैम्प और स्केल था, इस पे पिवोटेड गैल्वेनोमीटर है, इसमें देखें ये एक राउंड शेप का जो मैग्नेट है वो उसी के ऊपर हमने एक स्केल लगा दिया, और ये बीच में ये कॉयल आ गई, नीचे भी स्प्रिंग आ गया ऊपर भी स्प्रिंग आ गया, और ये इस वायर सस्पेंशन वायर है जो उस कॉयल के अंदर से गुजर रही है, तो वो जो उसकी कोर के साथ कनेक्टेड होगी उसके साथ हमने ये एक पॉइंटर अटैच कर दिया, वो पॉइंटर भी फिलहाल 0 पे है। जैसे ही देखें करंट फ्लो करेगा तो कॉयल रोटेट करेगी तो जिस तरफ कॉयल रोटेट करेगी पॉइंटर भी उसी तरफ स्केल के ऊपर वो पॉइंट मार्क करेगा कि इतना करंट जो है ना फ्लो कर रहा है। ये भी एक गैल्वेनोमीटर जो है ना वो इस तरह भी अरेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है ये भी बता दें। तो सबसे पहले तो सेंसिटिविटी क्या है, एक सिंपली ये कि अगर एक आप गैल्वेनोमीटर डेवलप करते हैं उसमें माइक्रो एम्पेयर का करंट जो है
वो प्रोड्यूस करता है अगर 1 मिलीमीटर की डिफ्लेक्शन स्केल के ऊपर, जो कि स्केल उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हो, तो हम उसे नाम देते हैं ये इसकी सेंसिटिविटी है, यानी माइक्रो एम्पेयर में। तो जैसे अभी ये वाला था, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हो स्केल मिरर से, और इसकी कॉइल में कितना करंट आया, 1 माइक्रो एम्पेयर, और उसके रिजल्ट में स्केल के ऊपर ये स्पॉटेड जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है वो कितना मूव करे, 1 मिलीमीटर, तो हम कहेंगे ये उसकी सेंसिटिविटी है। वी डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एज द करंट इन माइक्रो एम्पेयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन ए स्केल प्लेस एट 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। या फिर इस सिंपली यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, जैसे थीटा ओवर आई, एंगुलर ट्विस्ट थीटा को कह रहे हैं, और पर यूनिट करंट मतलब जो करंट कॉइल में यू नो वो फ्लो करेगा, इस कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा ओवर आई, फिर वो जो वैल्यू थी हमारी उसको आप यहाँ पर एडजस्ट करें तो बी ए एन और सी आता है। तो अगर आप देखें, अब सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो आपको ये ऊपर वाला जो फैक्टर है उसको बढ़ाना होगा। तो देखें, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, लेकिन इतनी नहीं बढ़ानी कि लिमिट जो है ना उससे ज़्यादा हो जाए, और फिर वो जो कॉइल इतनी हैवी हो जाए कि वो रोटेट ही ना कर पाए। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी बी जो है वो बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगी, वो सॉफ्ट आयरन भी हमने प्लेस किया था, वो सिलेंडर जो था सॉफ्ट आयरन का रखा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल और स्ट्रांग हो जाए, इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। चौथी बात ये कि तीसरी बात ये कि जो एरिया ऑफ द कॉयल है वो भी इंक्रीज कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, मैनेजेबल हो, उसी मैग्नेटिक पोल के दरमियान हो। तीसरा, सी की वैल्यू को डिक्रीज करें, सस्पेंशन वायर जो है वो ज़्यादा लेंथ वाली स्मॉल रेडियस वाली यूज़ करें जिसके अंदर ट्विस्ट अच्छा आ सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद एक दो शॉर्ट क्वेश्चन और भी हैं कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखिए, आपने मैं भी ऑब्जर्व किया हो, कभी आप जैसे ही स्विच ऑन करें गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो अपनी मेन पोजीशन से जो है ना वो आगे मूव करना स्टार्ट करता है, डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन जहाँ उसने रुकना होता है जाके, जिस पोजीशन पे उसने रीडिंग देनी होती है उस पोजीशन पर रुकने से पहले वो सर्वल वाइब्रेशन लेता है, यानी यूँ वो काफ़ी दफ़ा ऐसे वाइब्रेट करता है फिर वो रुकता है उसके ऊपर जो पॉइंट उसने शो करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये रीडर का टाइम जो है ना वेस्ट करती है। तो जिस क्लोनोमीटर में ये चीज़ नहीं होती उसे हम डेड बीट क्लोनोमीटर कहते हैं। तो सेंसिटिव कॉयल इज़ नॉट स्टेबल, यानी सेंसिटिव कॉयल होगी डेफिनेटली वो स्टेबल नहीं होगी, आप करंट प्रोवाइड करेंगे फ़ौरन डिफ्लेक्शन शो करेगी, और साथ रिस्टोरिंग टॉर्क भी आ जाएगा क्योंकि ट्विस्ट आ जाएगा वायर के अंदर, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसकी वजह से कॉयल जो है ना सर्वल ऑसिलेशन लेने लग जाती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। तो इस तरह जो रीडर होता है उसका टाइम जो है ना वेस्ट होता है। तो गैल्वेनोमीटर इन विच द कॉयल कम टू रेस्ट क्विकली आफ्टर पैसेज ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड स्टेबल और डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉयल है वो सडन, यानी जैसे आप उसको करंट प्रोवाइड करें तो वो फ़ौरन ही जो है वो रुके एक पोजीशन पे आके और हमें रीडिंग दे, तो वो सर्वल वाइब्रेशन ना ले। तो उसको कैसे हम बना सकते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर? डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए वो हमने जो बीच में कनकेव शेप बनाई थी पोल की, उसके दरमियान हमने एक सिलेंडर प्लेस किया था जिसके ऊपर हमने कॉयल वाउंड की थी। वो कॉयल देखें जब रोटेट करेगी, वो रोटेट कहाँ कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब एक कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है तो उससे फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका वो चेंज होगा बाय फराडे लॉ। वो चेंज इन फ्लक्स जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है और उसके रिजल्ट में इंड्यूस करंट आता है, यानी वो जो कोर है सिलेंड्रिकल शेप में उसके अंदर इंड्यूस करंट आता है जिसे हम एडी करंट कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया था उनका नाम एडी था। एडी करंट आता है, वो एडी करंट आने की वजह से क्या होगा, वो एडी करंट जो है या इंड्यूस करंट है उसकी नेचर है कि जिस चीज़ से वो प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। तो अब वो देखें, वो जो एडी करंट है वो किससे प्रोड्यूस हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉयल से। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉयल चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि कॉयल रोटेट कर रही है, ऑसिलेशन ले रही है जब आपने करंट प्रोवाइड किया तो वो उस ऑसिलेशन को ही क्या करेगा, अपोज करेगा, डैम्प करेगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी तो ऑसिलेशन जल्दी ख़त्म होंगी और कॉयल जो है ना वो जल्दी अपनी एक पोजीशन लेगा और आपको रीडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से जो ना हम ऑसिलेशन को जो ना वो डैम्प करते हैं। तो ये वैसे ये जो फराडे लॉ है और ये एडी करंट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसका रेफरेंस दिया गया है ना कि वो जो सिलेंडर है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉयल जब ऑसिलेट करती है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, रिजल्ट में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ जाता है।
इंड्यूस का मतलब इंटरनली जनरेट होना, यानी बाहर से हमने कोई सोर्स नहीं लगाया, तो वो जो इंड्यूस करंट है उसकी नेचर ये है कि वो उसी चीज़ को फोर्स करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से प्रोड्यूस हुआ, और चेंज फ्लक्स का कैसे आया, बाय रोटेटिंग या ऑसिलेटिंग ऑफ द कॉयल। तो उसे हम वो फिर वो अपोज करता है, ऑसिलेशन डैम्प्ड होती है और कॉयल एक पोजिशन लेती है। तो ये आपका टॉपिक था, इसमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको कैसे डेड बीट बनाया जा सकता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, ये तीन चार चार क्वेश्चन है। बाकी जो पीछे रह गया वो लॉन्ग क्वेश्चन था, वो तैयार करना है। कल इंशाल्लाह हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वोल्ट मीटर में और ओम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके आगे वो मीटर पढ़ेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। रेल रंजी, टेक केयर।